ये जो ये सीना पे जो प्रमोद प्रेमी यादव जी का जो टैटू बनाए हुए हैं, दिखाइए टैटू हमारे तमाम दर्शकों को। अच्छा, क्या सोच के टैटू बनाया प्रमोद प्रेमी यादव जी का? टैटू देखे ना तो बहुत खुश हो गए और हमको गले से लगा लिया। अच्छा, पेट में लात मार देगा तो विरोध नहीं करेंगे। अच्छा, तुम क्या सोच के टैटू बनवाए हो कि पेट में लात मार दिया? पेट में जब हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम उनका गाना सुन रहे हैं, हम उनका फैन हो गए हैं, उनका टैटू बनवा लिए हैं, तो अबरी क्या अबरी मुड़िया काट के नीचे धर दें, क्या बोलते हैं? तो ठीक है, तुम फैन थे, टैटू बनवा लिए, तो अब तुमको क्या उनसे दिक्कत हो गया? दिक्कत ये हो गया कि हमको एकदम वैल्यू नहीं दे रहे हैं। उनका टीम है ना, जब पूरा खत्म है, सोनू जी है उनका मैनेजर, वो भी खत्म है, वो तो आओ खत्म, वही सब तो बिगाड़ दे। जनरेशन होता है बिहार के यादव है ना, जो जनरेशन उनका खराब है एकदम। अच्छा, ये क्या बोल रहे हो? खुद यादव हो, प्रमोद प्रेमी यादव जी का टैटू बनाए हो और प्रमोद प्रेमी यादव जी का विरोध कर रहे हो। इनका जो है कहना यही है कि प्रमोद प्रेमी यादव जी का हम जो है टैटू बनवाए हैं, लेकिन वो टैटू 5,000 में बनवाए हैं, लेकिन 5 रुपए का भी जो है प्रॉफिट हमको नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि ये बेवकूफ़ लोग ही होते हैं जो सोचते हैं कि टैटू बनवा के हम जो है बेरोजगार है तो हमको रोजगार मिल जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं बेवकूफ़ हैं। प्रमोद प्रेमी यादव जी का ये जो टैटू बनवाए हैं, इसके जगह आप अपने माँ बाप का अगर टैटू बनवाते तो वो ज़्यादा बेहतरीन होता। मम्मी पापा आपको जी पैदा किए हैं तो उनसे बढ़कर हो गया प्रमोद प्रेमी यादव, ये बताइए ना। देखिए, टैटू बनवाने से ऐसा नहीं है कि आपको रोजगार मिल जाएगा। काफी सारे बेवकूफ़ लोग जो है ये सोचते हैं कि टैटू बनवा लेंगे किसी सुपरस्टार कलाकार का तो हमको रोजगार मिल जाएगा, बेरोजगार है तो रोजगार मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। तो राज रोशन व्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। सो दोस्तों, अभी मैं जहाँ पे बैठा हुआ हूँ, हमारे साथ एक शख्स बैठे हुए हैं, रंजीत कुमार यादव। ये जो है अपने सीना पे जो है प्रमोद प्रेमी यादव का जो है टैटू बनाए हुए हैं और काफी उनसे जो है नाराज हैं। प्रमोद प्रेमी यादव का टैटू बनवा के उनसे नाराज क्यों हैं, हम आप सभी को जो है इन्हीं से जो है जानेंगे। कैसे हैं? हम बढ़िया हैं, आप कैसे हैं? थोड़ा इनका टैटू दिखाइए, जो ये सीना पे जो प्रमोद प्रेमी यादव जी का जो टैटू बनाए हुए हैं, दिखाइए टैटू हमारे तमाम दर्शकों को। अच्छा, क्या सोच के टैटू बनाया प्रमोद प्रेमी यादव जी का? प्रमोद प्रेमी के जब हम पचमा छठा में पढ़ते थे ना, हाँ, तो प्रमोद प्रेमी गाना मतलब आने लगा, प्रमोद प्रेमी यादव से गाना। अच्छा, पहले प्रमोद प्रेमी यादव नहीं लिखते थे। हाँ, पहले प्रमोद प्रेमी लिखते थे। हाँ, हम उस समय उतना चॉइस नहीं करते थे, मतलब कि कौन कलाकार है, नहीं कलाकार है, नाम नहीं उतना, लेकिन प्रमोद प्रेमी लिखा रहता था। हाँ, टीवी पर भी देखते थे ना। हाँ, तो प्रमोद प्रेमी। हाँ, जब 2-3 साल जब बड़ा हुए धीरे धीरे तो यादव लिखने लगा प्रमोद प्रेमी। हाँ, तो सुनते ये यादव लगता है। हाँ, तो हम सोचे कि नहीं, इनका गाना ज़्यादा आने लगा दम भका। अच्छा, भाग पूरा गाना आने लगा, पूरा दम। हाँ, गाना जब आने लगा ना तो हम गाना सुनने लगे उनको। जब छोटा मोबाइल भी रहता था, छोटा मोबाइल में सुनते थे, बड़ा मोबाइल मिलता था किसी से सर्च मार कर बड़ा मोबाइल से गाना सुन लेते थे। मतलब तुम उनका पूरा तरह से फैन हो चुके थे जब तुम 6th क्लास में थे तब? तब पूरा तरह से फैन हो गए थे तब। जब हम अपना मोबाइल नहीं रहता था तब दूसरा के मोबाइल में सर्च करके हम गाना सुनते थे। हमेशा नहीं देता है, एक गाना दो गाना सुनते हैं, ठीक ना। तो हम फैन बन गए हैं। अब उनका जब बड़ा हुए हैं तो हमको कुछ और दिमाग में मतलब कि सोच में आ गया कि नहीं, हम भी कुछ करें। जब हम पढ़ के नहीं कुछ करेंगे तो कुछ करना है ना, लाइफ में कुछ करना है। तो जब हम फैन बन गए तो हम सोचे कि टैटू बनवा लेते हैं भैया के कुछ। हाँ, जब करने हैं तो जब टैटू बनवा लेते हैं तो जब टैटू हम बनवा लिए। अच्छा, टैटू बनवाने में कितना पैसा लगा? इसमें 5,000 लगाया, 5 रुपया भी फायदा नहीं हुआ। अच्छा, 5,000 रुपया तुम इस टैटू बनवाने में लगवा दिए हो प्रमोद प्रेमी यादव जी का, 5 रुपया भी तुमको फायदा नहीं हुआ? 5 रुपया फायदा नहीं हुआ, हमारा जनरेशन खराब, हमारी जिंदगी खराब हो गया। अच्छा, जिंदगी खराब हो गया। देखिए, ये जो टैटू बनवाया है, ये जो टैटू जो है ना, देखिए ये ऐसा नहीं है कि नकली टैटू है हट जाएगा, ये पूरा एकदम परमानेंट टैटू बनवा लिया। सकता है नकली नहीं है, ये असली है। अच्छा, या जीवन रहे। तुम ही क्या कर रहे हो कि 5,000 लगा दिए, 5 रुपया का फायदा नहीं हुआ? 5 रुपया का फायदा नहीं हुआ है बोल रहे हैं का है? अब काहे नहीं, अब प्रमोद प्रेमी भैया से मिलने जब गए। हाँ, तो उनसे कुछ मांग हुई, जैसे कि गए मिलने तो क्या हुआ? जब मिलने गए, एक दिन मिले छपरा में, एक दिन मिले सिवान में। तो सिवान में मिले एक दिन छपरा मिले, छपरा में गए तो सब चिन गया, आराम से मिल जाके स्टेज पे चढ़ गए, मिले सोनू से बात हुआ तो सोनू बोला ना कि जो भी हम करते हैं भैया के प्रमोद प्रेमी के, जो सब चीज़ हम ही करते हैं, जो हमसे मिलो जो भी प्रॉब्लम होगा हम सोल्व कर देंगे तुमको। हम बोले ठीक है, आप कलाकार के हम फैन हैं, हम उनको काहे तंग करेंगे, जब उनका मैनेजर है हमको करिए देंगे, तो हम उनको तंग नहीं किए।
तो बोला कि जे तो हम बोले नहीं आपको तंग नहीं करेंगे जब तक हम मिलेंगे नहीं बैठ के बात नहीं करेंगे दो बात तो हम उसको संतुष्टि नहीं होगा। तो लेके गया मिलाया हमको बोला कि बाबू तुम क्या चाहते हो। तो हम बोले कि चाहते हैं यही जो फेसबुक आईडी चलाना हमको यूट्यूब चलाना छोटा मोटा यूट्यूब चलाना है और इंस्टाग्राम चलाना है। तो बोला क्या इतनी ही नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए हमको छोटा मोटा एक्टिंग गाना में दे दीजिएगा। तो बोला कि ये भी हो जाए ये कौन बड़ी बात है सोनू वाला। तो हम कहे भाई आप बोलिए रहे हैं तो बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता तो बोल दिए तो हम वो सतर्क हो गया। तो बोला कि तुम जे घर निकल जाओ जे तुमको दो चार रोज के टाइम देते हैं जो टाइम नंबर ले लो हमारा कुछ प्रॉब्लम हो तो फ़ोन करना जब जब हम नंबर उम्र ले लें। फिर नंबर उम्र ले लिए तुम प्रमोद प्रेमी यादव से जाके स्टेज पे मिल लिए वो तुमको बोल भी दिए कि हाँ ठीक है तुम हमारे साथ वीडियो भी बना लेना कोई दिक्कत नहीं होगा। बोला कि और टैटू तुम्हारा देख के क्या बोले क्या कुछ रिस्पॉन्स टैटू बनवा टैटू देखे ना तो बहुत खुश हो गए और हमको गले से लगा लिया। अच्छा पहले उनको हम गले से लगाया वो हमको गले से लगा लिया। फिर उनका क्या टीम के आदमी बोल दिया क्या दिमाग में बोल दिया क्या सुन लिए हैं उधम हमको जनरेशन खराब कर दिया था। जनरेशन खराब कर दिया जनरेशन जो यादव का जनरेशन होता है बिहार के यादव है ना हाँ। जो जनरेशन उनका खराब है एकदम। अच्छा ये क्या बोल रहे हो खुद यादव हो प्रमोद प्रेमी यादव जी का टैटू बनाए हो और प्रमोद प्रेमी यादव जी का विरोध कर रहे हो। विरोध करेंगे नहीं पेट में लात मार देगा तो विरोध नहीं करेंगे। तुम क्या सोच के टैटू बनवाए हो कि पेट में लात मार दिए पेट में जब हम कुछ नहीं कर रहे हैं हम उनका गाना सुन रहे हैं हम उनका फाइन हो गए हैं उनका टैटू बनवा लिए हैं तो अबरी क्या अबरी मुड़िया काट के नीचे धर दें क्या बोलते हैं क्या करेंगे। अच्छा तुम टैटू क्या सोच के बनवाए चलो ठीक है तुम फैन थे टैटू बनवा लिए तो अब तुमको क्या उनसे दिक्कत हो गया। दिक्कत ये हो गया कि हमको एकदम वैल्यू नहीं दे रहे हैं कुछ नहीं उनका टीम है ना जब पूरा ख़त्म है सोनू जी है उनका मैनेजर वो भी खत्म है वो तो आओ खत्म वही सब तो बिगाड़ दिया उनको। हमको पता चला है कि प्रमोद प्रेमी यादव जी से जब तुम मिले थे तो 2000 रुपया भी तुमको दिए थे। हाँ 2000 रुपया दिए थे हाँ। मतलब वो खर्चा दिए थे खर्चा दिए थे तुमको 5000 लगा था 5000 में से 2000 तुमको मिल गया खर्चा दिए थे हम हाँ। ये बात भूल गए खर्चा दिए थे हाँ। ये मतलब दिमाग में नहीं आया आप बता दिए आप जानते थे इसीलिए देखे हो कभी इंटरव्यू दिए होंगे तो उसमें देखे होंगे लेकिन हमको अब आधा गया नहीं 2000 रुपया हमको दिए थे खर्चा। अच्छा। तो हम बोला कि बाबू रख लो तो हम रख लिए तो हम बोले कि हमको भी खर्चा उर्चा हुआ दिए हम लेने नहीं चाहते पैसा के हम मायने नहीं। अच्छा, रखते तुम क्या फाइनल क्या कहना चाहते हो हम भैया से ही कहना चाहते हैं हमको सपोर्ट कर दीजिए। आप कैसा सपोर्ट चाहिए सपोर्ट चाहिए इंस्टा फेसबुक इंस्टाग्राम में हमको सपोर्ट कर दीजिए कि हमारे कुछ ज़िंदगी में बन जाए और हमारा नाम से आपका भी जिंदगी में कुछ और बन जाए। तो फेसबुक इंस्टा पे जैसे क्या सपोर्ट करेंगे आईडी वगैरह होगा तब ना आईडी वगैरह सब बना हुआ है तो जैसे तुम क्या चीज चाहते हो उनको प्रमोशन करना है उनको प्रमोशन करें हाँ प्रमोशन करना है। अच्छा। बोल उन्हीं का मुंह से सुने कहीं ना कहीं ये आजकल का जो है ट्रेंड बन गया है कि किसी भी सुपरस्टार कलाकार का जो है टैटू का फेस पे छाती पे सीना पे हाथ पे बनवा लीजिए अब वायरल हो जाइए। तो कहीं ना कहीं इनका जो मेन मकसद था वायरल होने के लिए था मुझे जहां तक ऐसा लगता है। तुम जैसे जिस तरह से बता रहे हो कि प्रमोद प्रेमी यादव जी का हम टैटू बनवाए हम उनके फैन थे इसलिए लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारा ये भी लग रहा है कि तुम उनसे कुछ रीजन के वजह से टैटू बनवाए हो ताकि तुमको जो है कहीं ना कहीं रोजगार मिल सके। तुम शायद किस सुनने में मेरे को ये भी आया कि तुम बोल रहे थे कि मेरे को रोजगार चाहिए मेरे को रोजगार उन्हें देंगे टैटू बनवाए हो तो रोजगार भी तुमको चाहिए। देखिए अब रोजगार करने वाला लड़का रहेगा अलग होता है दुकान चलाने वाला लड़का अलग होता है वीडियो बनाने वाला लड़का अलग होता है गाना गाने वाला लड़का अलग होता है डांस करने वाला लड़का खेसारी लाल यादव अलग होता है हाँ। खेसारी लाल यादव ऐसा कोई डांस नहीं कर सकता उनका काम अलग है हमको वीडियो बनाना काम है भाई किसी को दुकान चलाना काम है। कहीं ना कहीं ये ट्रेंड है कि किसी भी सुपरस्टार कलाकार का जो फेस पे टैटू बना लिए चाहे कहीं भी टैटू बना लिए छाती पे सीना पे हाथ पे अब वायरल होने का पूरा संभावना रहता है लोगों का। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपका भी जो है ये वायरल होने के लिए ही फेस पे अपने छींजा में टैटू वायरल होने के लिए ये काम किया गया है नहीं तो हम जनरेशन धीरे धीरे हम खुद करते हैं बनाते हैं। अच्छा कि नहीं धीरे 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 हम ही कुछ बनते हैं लेकिन नहीं हमको सोचे कि हमको बहुत रुपया देखिए टैटू बनवाने से ऐसा नहीं है कि आपको रोजगार मिल जाएगा। काफ़ी सारे बेवकूफ़ लोग जो है ये सोचते हैं कि टैटू बनवा लेंगे किसी सुपरस्टार कलाकार का तो हमको रोजगार मिल जाएगा बेरोजगार है तो रोजगार मिल जाएगा तो ऐसा नहीं होता है जो तुम सोच कर जो बनवाए हो
रोजगार नहीं इससे मिलता है। ठीक है, तुम फैन थे, बनवा लिए, काफी सारे लोग जो है अभी देखिए, जैसे सौम्या पोखरेल जी हैं, उन्होंने भी बनाए, वो वायरल हुए, उनके देख कर काफी सारे लोग जो है बना रहे हैं। रोजगार नहीं मिलेगा, हम मांग रहे रोजगार, मांग रहे कि हमको दुकान में रोजगार दे दीजिए, होटल में रोजगार दे दीजिए, क्या बोले कभी हमें? जिस लाइन से जुड़े हो उसी लाइन से रोजगार मांग रहे हो? हाँ, जिस लाइन से हम जुड़े हैं उसी लाइन से हम रोजगार मांगना चाहते हैं। रोजगार एक तरह से नहीं होता है, समझे, अलग अलग तरीका से रोजगार होता है। ठीक है, तो आपका ये प्रमोद प्रेमी यादव जी से लास्ट जाते जाते कुछ कह दीजिए, क्या कहना चाहते हैं बोलिए। हम बोल ये प्रमोद प्रेमी से बोलेंगे, अब तो धीरे धीरे हमारे सपोर्ट एकदम दिमाग धीरे धीरे एकदम ढलल जा रहा है। हाँ। कहे कि जिंदगी भर के टैटू है भैया। हाँ। जिंदगी भर हम जब तक टैटू रहेगा जब तक हम रेलवे करेंगे। अच्छा, प्रमोद प्रेमी यादव जी को रेलोगे? हाँ, जब तक रहेगा रेलेंगे, उनका पूरा टीम के लपेट के रेलेंगे। अच्छा, अब सपोर्ट करेंगे तो नहीं रेलोगे? सपोर्ट कर देंगे तो समझिए कि मेरा भगवान हो गया वो। अच्छा, जब सपोर्ट हो गया तो जब ऊपर वाला सपोर्ट कर देगा तो समझिए उन्हीं का देना है जी। टैटू को रिमूव भी करना का सोचोगे कि नहीं आगे चल के? आगे वोट नहीं करेंगे, इलेक्शन आएगा ना। हाँ। इलेक्शन में वोट मांगने घुरवे करेंगे। हाँ। तेजस्वी यादव के लिए। हाँ। जब तक इलेक्शन नहीं खत्म होगा जब तक रेलेंगे। अच्छा, इलेक्शन खत्म हो जाएगा और बोलता है नीतीश कुमार का पलटू राम बोलता है। हाँ। यादव लोग बोलता है, हम भी यादव है, ऐसा बात नहीं है। अब वो तो कुछ दिन चलाया, अब वो तो चारे रोज में पलट गया। हाँ। प्रमोद प्रेमी चारे रोज में पलट गया। अब तू एगो फैन के नहीं मदद कर सकता है तो जनता के कैसे मदद करेगा? हमारे साथ है रंजीत कुमार यादव जी, जो कि इनका जो है कहना यही है कि प्रमोद प्रेमी यादव जी का हम जो है टैटू बनवाए हैं, लेकिन वो टैटू 5,000 में बनवाए हैं, लेकिन 5 रुपए का भी जो है प्रॉफिट हमको नहीं हुआ। तो ये कहीं ना कहीं टैटू बनवाए थे ताकि इनको जो है रोजगार मिल सके, बेरोजगार थे रोजगार मिल सके। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये बेवकूफ लोग ही होते हैं जो सोचते हैं कि टैटू बनवा के हम जो है बेरोजगार है तो हमको रोजगार मिल जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं बेवकूफ हैं। आपको नजर में है? हाँ। आपको नजर में, अगर हमको प्रमोशन हो जाए, बताइए प्रमोद प्रेमी यादव, देखिए प्रमोद प्रेमी यादव जी का जो टैटू बनवाए हैं इसके जगह आप अपने माँ बाप का अगर टैटू बनवाते तो वो ज्यादा बेहतरीन होता। बनवाते हैं लेकिन फैन के अलग तरीका होता है। हाँ। फैन होता ना जी आशिक हो जाता। अरे मम्मी पापा आपको जी पैदा किए हैं तो उनसे बढ़कर हो गया प्रमोद प्रेमी यादव, ये बताइए ना। वो तो माँ बाप तो होबे करता है, लेकिन हम सोचे कुछ और सोचेंगे, माँ बाप को भी हम सपना पूरा कर सकते हैं इससे। मम्मी पापा के नाम के ना हाथों पे लिखवाए, हम देखते हैं कि गांव के लोग जो है मम्मी पापा के नाम के जो है हाथों पे कम से कम लिखवा लेता है, मम्मी के नाम पापा के नाम। आजकल तो लोग ट्रेन में चल गया गर्लफ्रेंड के नाम लिखवा ले रहा है। प्रमोशन हो जाएगा ना भाई। हाँ। तब माँ बाप को सपना दम खुद अभी परवाए तो माए बाप ले परवाए, सपना पूरा करे ले परवाए। कहीं ना कहीं तुमको खुद से मेहनत करके आगे बढ़ने का सोचना चाहिए। हाँ। ना कि प्रमोद प्रेमी यादव जी के टैटू बनवाए करना चाहिए था। ये तुम गलती की हो, इसको एक्सेप्ट करना है तुमको। गलती किए हो कि नहीं, ये तो मेरे साथ गलत हो गया है। और ये हम टैटू जो प्रमोद प्रेमी के फैन है जो उनको बोल देते हैं कि टैटू मैटू मत परवाइएगा प्रमोद प्रेमी के, नहीं तो आपका जिंदगी खराब हो जाएगा भाई। सबको बता दो कि आपसे नेक्स्ट टाइम लड़का रहे या चाहे लड़की रहे, उनका गाना उना मत सुनिएगा, उनका फैन आशिक मत बनिएगा, नहीं तो हमका दिमाग खराब हो जाए, आपको आपको दिमाग भी खराब हो जाए। प्रमोद प्रेमी यादव का गाना कोई नहीं सुने? नहीं, मतलब सुनने नहीं है ऐसा, तो उसका जो अधिक साइबर गिर ले है, उस साइबर गिरना चाहिए। चलिए, तो हमारे साथ है रंजीत कुमार यादव जी जो कि प्रमोद प्रेमी यादव का जो टैटू बनवा के काफी ज्यादा उनसे नाराज हैं। तो आप लोग को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? ये वीडियो अगर आप लोग कोई देख रहे हो प्रमोद प्रेमी यादव की टीम से तो जरा उनको शेयर कर दीजिए, इनका थोड़ा बात को थोड़ा देख लीजिए। मीडिया नंबर अपना बता दो, कोई तुमसे कॉन्टेक्ट कर ले। लिख लीजिए 90 60 53 86 45। और हम जो भाई चढ़ाएगा उस पे हम वह पर्सनल नंबर दे देंगे और उससे मेरा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हो जाएगा। उससे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हो जाएगा? हाँ, उससे जो नंबर बताया ये भी हो जाएगा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। हाँ। इसमें थोड़ा अभी पैसा खत्म हो गया है, पैसा भी नहीं है रिचार्ज कराने के लिए। चलिए ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा अपना विचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।